अगर मैं घर जाती हूँ, घर जाते जाते मुझे या शालू को कुछ भी हो जाता है, उसका जिम्मेदार नितिन चौहान होगा, उसके दोस्त होंगे और उसके फैमिली वाले सब लोग होंगे, क्योंकि वही लोग हमें धमकी दे रहे हैं और लगातार हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पुलिस को ये सूचना दे रहे हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं हो रही है, हम पे सारे प्रूफ हैं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा आपके साथ हो क्या रहा है। अगर मैं अभी भी यहाँ से जा रही हूँ और मान लीजिए हमें शूट कर दिया जाए, मार के हम लड़कियाँ हमारे साथ कुछ भी कर दिया जाए, उसका जिम्मेदार नितिन चौहान, उसके दोस्त, उसकी फैमिली होगी, वही उसके जिम्मेदार हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, वो मेरे होते साथ दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, उसके साथ रह रहा है, जानवी चौहान लड़की है, रामगंगा कॉलोनी में रहती है, डोरा मोड़ पे, ठीक है सर, उसके साथ घूम रहा है, उसके घर पे जाता है, वो रोज़ वहीं पे रहता है, मुझसे कह रहा है मैं जानवी चौहान मेरी वाइफ है, मैं उससे शादी करूँगा दूसरी। ये शादी को सर उसके घर वाले बोल रहे हो, मेरी सास बोल रही है, ये शादी को मैं नहीं मानती, कौन सी शादी की है, कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। सर मैं आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ अपने, ये मेरे शादी के फ़ोटो हैं, देखिए आप, ये मेरी शादी से पहले के फ़ोटो हैं सर, ये मेरी सास हैं सर, ये मेरी पूरी फैमिली के साथ शादी हुई है सर, मेरी पूरी फैमिली थी मंदिर में मौजूद। सर ये होटल है जिस होटल में लेके जाता था दिलासा देके, शादी करूँगा, ये होटल है सर, इसमें आईडी वगैरह कुछ नहीं देता था वो अपने सर, ये देखिए मांग भर रहा है ये, और बोल रहा है मैं इस शादी को कुछ नहीं मानता, सर इनकार कर रहा है, ये मैं उसके पैर छू रही हूँ सर, ये देखिए, ये आपको लगता है ये देख के कि ये फेक शादी आपको लगता है सर, आपको क्या लगता है ये देख के, आप ये बताइए, ये मेरी माँ से आशीर्वाद दे रही है। सर मैं ये चाहती हूँ, जानवी चौहान है लड़की, वो भी मेरे पीछे पड़, वो लड़की 3 शादी कर चुकी है, 1 बच्चे की माँ है, वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो लड़के के साथ रह रही है। सर मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी किसी ने नहीं सुनी सर, तो मैं और ऊपर जाके खड़े हो जाऊँगी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है सर, ठीक है, नमस्कार। क्या हुआ आपके साथ, क्या आज कहाँ पे आप आई हुई? सर मैं कप्तान साहब के यहाँ पेस हुई थी आज, वहाँ पे मैंने कार्रवाई की थी, वहाँ पे मैंने बोला था मेरा हस्बैंड है नितिन चौहान, मेरी शादी हुई है उनसे, वो मुझे रख नहीं रहा है, इनकार कर रहा है रखने से, बोल रहा है दूसरी शादी कर लूँगा, मारने की धमकी दे रहा है सर। अभी उसका फ़ोन आया था मेरे पास, बोल रहा है कप्तान के यहाँ पेस होने का, यूँ कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा सर, वो बोल रहा है कि तू मुझे रास्ते में मिल गई मैं तुझे जान से मार दूँगा, ये मुझे धमकी दे रहा है सर, मेरी नितिन चौहान मेरा हस्बैंड मुझे धमकी दे रहा है, तुझे जान से मार दूँगा शालू सर, मुझे कह रहा है तुझे जान से मार दूँगा, वो दूसरी शादी करने जा रहा है सर, मुझसे कह रहा है मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी सर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, आप मुझे ये बताइए मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है। सर मैं थाने चौकी गई थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी थी, बाराद्वारी थाने गई थी, उनने कहा कि परेशान कर रहा है, फ़ोन बंद कर लो, ब्लैकलिस्ट नंबर कर दो, मेरी किसी ने कार्रवाई नहीं की, मेरी किसी ने नहीं सुनी थी, किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी। आप मिली हैं एसएसपी ऑफिस जाके, तो क्या ऑफिस में मिला आपको? वहाँ पे मैम ने बोला था आपके पास शादी का कोई प्रूफ है, मैंने फ़ोटो वगैरह दिखाए थे, उनने मुझसे बोला था प्रूफ है, कार्रवाई आपकी की जाएगी, लड़कियों को बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, उसे समझाया जाएगा, इतनी मेरी सुनी थी, फिर वो आ गई थी। अगर सर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं और ऊपर जाके खड़े हो जाऊँगी, मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं फिर कुछ भी करूँगी, बस सर मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये मेरी दीदी है, इनको मारने की धमकी दे रहा है नितिन चौहान मेरा हस्बैंड। ये बताइए, मैं अभी अभी इसके साथ आई हूँ, कप्तान साहब के यहाँ पेश कराया है, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसको कैसे मिल रही है हमें नहीं पता, हमारे घर से पीछा कर रहा है, अभी हमें फ़ोन किया है, आप कॉल लिस्ट में भी देख सकते हैं, चेक कराएं, खुद वो अपने नंबर से फ़ोन कर रहा है और कह रहा है पहुँच गई कप्तान के ऑफिस, क्या बिगाड़ लोगी आप हमारा, हमें धमकी दे रहा है कि चलो रास्ते में मिलो, बताते हैं तो जान से भी मार सकता है वो हमें, सीधे सीधे हमें वार्निंग दे रहा है, अब अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया उसका तो वो हमें मार देगा, तो साफ साफ लड़की को भी मार देगा। हम मतलब प्रशासन से यही, कप्तान साहब से और प्रशासन से मेरी यही अपील है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, वो हमें धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कोई उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। बाराद्वारी थाने भी पहुँचे थे हम रात 1 बजे, वहाँ पे भी हमें लटोल दिया गया, तहरीर ली नहीं गई, यही कह दिया गया कि मेरा थाना बाराद्वारी लगता है, मैंने वहाँ पे शिकायत की थी कि हमें ऐसे ऐसे धमकियाँ आ रही हैं, आप देखिए कॉल रिकॉर्डिंग देखिए, तो पुलिस ने हमें बस यही बोला कि अपना नंबर ब्लैंक लिस्ट कर दीजिए और लड़की को रखेंगी आप,
लड़की की दीदी है तो फिर ये सब तो झेलना ही पड़ेगा आपको। उल्टा हम ही से पुलिस ऐसा बोल रही है ना कि सपोर्ट कर रही है कि मदद कर रही है।